देखो मैं धन्यवाद करदा जुडिशरी का जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। मैं इलेक्शन कमीशन भी बेनती करदा जिहड़ा काम इलेक्शन कमीशन का सी अज हाई कोर्ट लोगों जाना पे आ काम इलेक्शन कमीशन पहले करना चाहिए सी। पंजाब दे विच सरपंची इलेक्शन होए तो तुम कहो कि 4000 सरपंच चुने गए, हो ही नहीं सकता। 2-4 ऐजे होण तो ठीक है, तुसी 40-40 हज़ार एप्लीकेशन रद्द कर दिंदे हो तो सरकार इलेक्शन होणगे। तो मैं तो सारयां नूं बेनती करदा जिन्ने भी लोगों के कागज़ रद्द होए आ किसी भी पार्टी का होए, श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर पहुँच जाओ, तुसी जिन्नी छेती पहुँच जाओगे अपने कागज़ लैके आ जाओ। साडी लीगल टीम उत्थे दफ्तर बैठी है, अज भी असी 100 पटीशन पाईआं, पिछलियां भी स्टेज साडियां लीगल टीम ने बड़ी मेहनत करके, मैं वधाई देना चाहुंदा साडी लीगल टीम नूं जिन्होंने लड़ाई लड़ के स्टे कराए है। हुण भी जिहदिया भी कागज़ रद्द है, भावें पंच है सरपंच है, तुसी साडे दफ्तर किसी भी पार्टी का होए साडे दफ्तर आ जाओ ते असी थोड़ी लड़ाई लड़ांगे। सर इन्ने साल हो गए राजनीति करदे हुए, इस तरह के हालात देखे कदे? मैं एक तरह हालात पहली बार देखे है कि लिस्ट लग जाइए, लिस्ट में सरकार लिख दे कि सारे कागज़ ठीक है, अगले दिन तुसी सारे रिजेक्ट कर दियो। ये तो वड्डी धांधली होनी, कली धांधली नहीं है, 420 है आ क्रिमिनल केस है। तो मैं अफसरों को कहना सने DC तो लैके सारे जिहड़े अफसर है सारयां नूं कोर्ट दे विच लैके जावांगे, सारयां दी CBI इंक्वायरी लैके। तो मैं गरंटी करदा जे जे सबूत साडे कोले है, जे जे सबूत लोकां कोले है, आ सारे अपनी नौकरी तो बाहर जाणगे। मैं तुहानूं यकीन भगवंत मान तो हुण चीफ मिनिस्टर है नहीं जी, हुण केजरीवाल बन गया चीफ मिनिस्टर। भगवंत मान तो घरे बिठाता, बड़ी शर्म की गल है। आता आम आदमी पार्टी वाले MLA सारयां नूं इस्तीफा देना चाहिए कि थोड़े तुसी थोनू पंजाब दे लोकां ने जिता के भेजा, लोगों ने थोड़े MLA बनाया, केजरीवाल नूं नहीं बनाया। मैं कहना जे थोड़ी मोती भी गैरत भगवंत मान छै ना छड़ दे, इस्तीफा दे। देखो मैं धन्यवाद करदा जुडिशरी का जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। मैं इलेक्शन कमीशन भी बेनती करदा जिहड़ा काम इलेक्शन कमीशन का सी अज हाई कोर्ट लोगों को जाना पे आ काम इलेक्शन कमीशन पहले करना चाहिए सी। पंजाब दे विच सरपंची इलेक्शन होए तो तुसी कहो कि 4000 सरपंच चुने गए, हो ही नहीं सकता। 2-4 ऐजे होण तो ठीक है, तुसी 40-40 हज़ार एप्लीकेशन रद्द कर दिंदे हो ते सरकार इलेक्शन होणगे। तो मैं तो सारयां नूं बेनती करदा जिन्ने भी लोगों के कागज़ रद्द होए आ किसी भी पार्टी का होए, श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर पहुँच जाओ, तुसी जिन्नी छेती पहुँच जाओगे अपने कागज़ लैके आ जाओ। साडी लीगल टीम उत्थे दफ्तर बैठी है, अज भी असी 100 पटीशन पाईआं, पिछलियां भी स्टेज साडियां लीगल टीम ने बड़ी मेहनत करके, मैं वधाई देना चाहुंदा साडी लीगल टीम नूं जिन्होंने लड़ाई लड़ के स्टे कराए है। हुण भी जिहदिया भी कागज़ रद्द है, भावें पंच है सरपंच है, तुसी साडे दफ्तर किसी भी पार्टी का होए साडे दफ्तर आ जाओ ते असी थोड़ी लड़ाई लड़ांगे। सर इन्ने साल हो गए राजनीति करदे हुए, इस तरह के हालात देखे कदे? मैं एक तरह हालात पहली बार देखे है कि लिस्ट लग जाइए, लिस्ट में सरकार लिख दे कि सारे कागज़ ठीक है, अगले दिन तुसी सारे रिजेक्ट कर दियो। ये तो वड्डी धांधली होनी, कली धांधली नहीं है, 420 है आ क्रिमिनल केस है। तो मैं अफसरों को कहना सने DC तो लैके सारे जिहड़े अफसर है सारयां नूं कोर्ट दे विच लैके जावांगे, सारयां दी CBI इंक्वायरी लैके। तो मैं गरंटी करदा जे जे सबूत साडे कोले है, जे जे सबूत लोकां कोले है, आ सारे अपनी नौकरी तो बाहर जाणगे। मैं तुहानूं यकीन भगवंत मान तो हुण चीफ मिनिस्टर है नहीं जी, हुण केजरीवाल बन गया चीफ मिनिस्टर। भगवंत मान तो घरे बिठाता, बड़ी शर्म की गल है। आता आम आदमी पार्टी वाले MLA सारयां नूं इस्तीफा देना चाहिए कि थोड़े तुसी थोनू पंजाब दे लोकां ने जिता के भेजा, लोगों ने थोड़े MLA बनाया, केजरीवाल नूं नहीं बनाया। मैं कहना जे थोड़ी मोती भी गैरत भगवंत मान छै ना छड़ दे।